हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। आज मैं आप लोगों को मेरे इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग जो एयरटेल का जो वाईफाई होता है, जो हॉटस्पॉट छोटा सा होता है, जो मैंने आप लोगों को थंबनेल में और इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया, उसको विदाउट पासपोर्ट के बिना आप लोग कैसे अपना मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा एयरटेल माई वाईफाई AMF 3111 दिखा रहा है। अभी की ऐसे मेरे सबसे मोबाइल का टॉप कॉर्नर में ऊपर टावर का हेडफोन का साइड में अभी कोई वाईफाई का सिग्नल नहीं है। अभी मैं उसको WPS के मदद से वाईफाई कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एडवांस सेटिंग में जाना पड़ेगा मेरे को। अब उसके बाद नीचे आएगा WPS कनेक्शन, उसमें क्लिक करना पड़ेगा। और जो WPS का जो हॉटस्पॉट में जो WPS का बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करना चाहिए। जैसे कि मैंने लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, अभी लॉन्ग प्रेस करते ही मेरा कनेक्टेड हो गया वाईफाई एयरटेल माई वाईफाई AMF 3111 6875 कनेक्टेड लिख रहा है। ऐसे आप लोग बिना पासवर्ड विदाउट पासवर्ड आप लोग किसी भी डोंगल जो वाईफाई हॉटस्पॉट में कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही आप लोग चाहे एयरटेल का हो, चाहे वोडाफोन, चाहे रिलायंस, चाहे आप लोग सब कुछ डोंगल जो हॉटस्पॉट ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हो, अगर आपने पासवर्ड उसका अंदर का चेंज भी कर लिया कंपनी वाला, फिर भी आप लोग उसको रीसेट करना है सबसे पहले आप लोग, फिर उसको या तो आपका जो पासवर्ड है वही टाइप करना है। अगर वो पासवर्ड भी अगर आपने पहले मिटा दिया या तो किसी पेन से कैरमेट कर दिया, तो आप ऐसे ही आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग उसको ऑन करना है, उसका WPS बटन ऑन करना है और मोबाइल का WPS कनेक्शन में क्लिक करना है। ऐसे आप लोग बिना पासवर्ड के अपना मोबाइल में हॉटस्पॉट डोंगल कनेक्ट कर सकते हो। इसका पासवर्ड क्या है और इसको लॉगिन करके मैं दिखाऊंगा, उसका आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। We'll be right back.